हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायाकल्प। तो आज का वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड है, बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन है आप लोगों कि लेफ्ट आईब्रो को मैं कैसे बनाती हूँ। तो पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं इसको पूरा क्लियर करने वाली हूँ। साथ ही मैं ये भी बता रही हूँ कि मैच्योर स्किन पे कैसे आईब्रो बनाया जाए। फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे वीडियो को देखिए। यदि अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस आईब्रो में मैं कुछ और भी दिखा दूं आप लोगों कि यदि विगनर्स इस आईब्रो को बनाए तो उन्हें क्या लगेगा कि ये यहाँ पे कट है तो कैसे बनेगा, मोटा नहीं बन सकता है। फिर यहाँ का शेप देखिए, यहाँ जो है ये इस तरह से ये ऊपर की तरफ आया हुआ, मीन्स आना चाहिए आईब्रो ऐसे शेप में, तो ये ऐसे है। तो ये सारी चीज को मैं आज कवर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप बनाए कि ये सारे प्रॉब्लम दूर हो जाए। साथ ही इस आईब्रो में भी सेम यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे हेयर नहीं है और अगर इसे चौड़ा बनाया जाए तो ये शेप चाहिए लेकिन यहाँ पे हेयर नहीं है। तो ये सारे कुछ को मैं कवर करने वाली हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले मैं ऊपर से हेयर को कट करती हूँ, बट यहाँ पे हेयर में ग्रोथ नहीं है, यहाँ हेयर नहीं है तो इसे मैं छोड़ दे रही हूँ। और साथ ही देखिए, ये हेयर ऐसा लग रहा है कि यहाँ से पहले कभी निकाला गया होगा और ये ग्रोथ अब आया है। तो अब इसे अच्छा सा शेप देना है। सबसे पहले मैच्योर स्किन में स्ट्रेचिंग अच्छे से होना चाहिए ताकि स्किन में कहीं भी कट न लगे। तो सबसे पहले मैच्योर स्किन में इस तरह से स्ट्रेच करवा लेंगे और उसके बाद काम करेंगे। और काम कैसे करना है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, तो आपको लाइट हैंड यूज करना है क्योंकि स्किन में कट नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये मैं ऊपर का शेप कर ली, ये हो गया, यहाँ तक का हो गया। अब इसके बाद का, तो इसके बाद के लिए हाथ को ऐसे टर्न कर लीजिए और ये हेयर को ऐसे निकाल दीजिए। बिल्कुल पेन नहीं होगा, एकदम डरना नहीं है कि अगर ज़्यादा हेयर को ले लेते हैं तो पेन होगा। अब हेयर को निकाल कैसे रहे उसको देखिए, मैं मेरा एक वीडियो पोस्ट है जिसमें मैं बताई हूँ कि कैसे आप धागे को चलाएं कि आपको पेन ना हो, उसे आप ज़रूर देखिएगा। उसे मैं यहाँ पर आई बटन में लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से ऊपर का शेप हो गया। अब आ जाते हैं नीचे का शेप। तो अब यहाँ पे नीचे का मैं शेप कर रही हूँ, जैसा कि मैं बताई यहाँ पे हेयर कम है तो कोई नहीं, आपको धागा नीचे से चलाना है, जितना चौड़ा रखना चाहते हैं वहीं से धागे को चलाना है तो वो अपने आप शेप दिखाई देने लगेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ से चलाई, यहाँ पे कोई गाइडलाइन लेने का जरूरत नहीं क्योंकि हेयर है ही नहीं, यहाँ पे हेयर बहुत ही कम है। तो मैं वहाँ पे सिर्फ धागा को इमेजिन करके रख रही हूँ कि हाँ इतना चौड़ा बनाना है, तो इतने पेर से धागे को रखी और उसी से आगे मैं बढ़ते हुए यहाँ तक आ गई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ तक का सेफ हो गया है और ये जो है एक्स्ट्रा हेयर है, आप चाहें तो इसे निकाल भी सकते हैं, मैं आज यहाँ पे निकाल दे रही हूँ ताकि समझ में आए आप लोग को। तो इतना निकालने के बाद अब यहाँ से टर्न करना, टर्न करने के लिए यहाँ इस तरह से धागे को मैं की, आप मेरे दोनों हैंड को देख सकते हैं कैसे मैं टर्न की, कैसे हाथ गया मेरा। और इसके बाद क्या है कि ये जो बढ़े हुए हेयर हैं उसे मैं, ये देखिए यहाँ पे शेप हो गया। और जैसे कि स्किन के हिसाब से आपको बनाना, बहुत पतला अगर आप आईब्रो बना देंगे तो यहाँ पे सही नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा मोटा ही रहने देंगे। और ये लगभग शेप हो गया और जब ये एक्स्ट्रा हेयर है इसे मैं निकाल दे रही हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोग को ये समझाना चाह रही हूँ कि देखिए ये आईब्रो को मैं बना ली हूँ, ठीक है, राइट आईब्रो बन गया है, अब है ये लेफ्ट आईब्रो। आप लोग में ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि लेफ्ट आईब्रो को पीछे से बनाना है या आगे से। मैं कैसे बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ सामने से सिर्फ इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ना कि पूरा आईब्रो। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं खड़ी हूँ राइट साइड में, कस्टमर के राइट में मैं खड़ी हूँ और मैं बना रही हूँ लेफ्ट आईब्रो। लेफ्ट आईब्रो का कहाँ, ऊपर तक ही, सिर्फ लेफ्ट आईब्रो का ऊपर बना रही हूँ। ये मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं ऊपर का शेप ली इस तरीके से, बस इतना ही करना है सामने से। इतना क्यों करना है कि ये दोनों शेप सेम हो। ये फ्रंट में जब मैं खड़ी हूँ तो ये मुझे पता चल रहा है कि सेम शेप है। मैं खुद के लिए नहीं, मैं आप लोग के लिए ये बताती हूँ, मैं बिगनर्स के लिए ये बताती हूँ कि आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप पीछे चले जाते हैं कि ये शेप दोनों एक लेवल में है या नहीं। मैं ये समझाती हूँ और इसलिए बोलती हूँ मैं कि आप सामने खड़े होके बनाइए, कितना, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी सारा का सारा आईब्रो आपको पीछे ही जाके बनाना है, लेफ्ट के पीछे जाके बनाना है, जैसे कि अब मैं जा रही हूँ। तो अब मैं आगे पीछे, और पीछे से आने के बाद अब मैं यहाँ पे ए नीचे का शेप कर रही हूँ और मैं पीछे से ही करूंगी, सारा हेयर पीछे से ही इजीली निकलेगा। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ, देखिए किस तरह से आईब्रो बनेगा। अब मैं यहाँ से थोड़े से हेयर को ली, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ इस तरीके से,
और ये हमारे लिए गाइडलाइन हो जाता है। और इसी के हिसाब से पूरे हेयर को निकाल लेना है, पूरे आईब्रो को सेप कर लेना है। यहाँ पे इनका कुछ कम हेयर था, जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को दिखाई हूँ कि कुछ हेयर कम है, तो उसके हिसाब से ही ये आईब्रो को ऐसा सेप देना है कि कम के बावजूद भी ये पता न चले कि आईब्रो में से हेयर पहले से कम थे या फिर सेप नहीं सही सारे, ये सारे को ध्यान में रख के आईब्रो को करना है। तो यहाँ मैं बीच में आ गई और इसके बाद थोड़े से हैंड को मैं टर्न कर ली नीचे की तरफ, नीचे की तरफ झुका लेना है और इसके बाद ये यहाँ का भी सेप कर लेना है। और इतना करने के बाद ये सेप बन जाता है लगभग। इसका दिखता है को ऐसे रिमूव कर लेना है। ये आईब्रो कंप्लीट हो गया। और इसके बाद क्या, मैं फ्रंट से खड़े होकर यहाँ से यहाँ तक ही बनाई थी और अब मैं यहाँ से ये वाला नीचे भी सेप कर ली हूँ और अब ये बचा है तो ये मैं लेफ्ट साइड के आगे में खड़ी हो गई हूँ। बहुत ही हल्का हेयर होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो इस तरह से आप यहाँ से इजिली निकाल सकते हैं। और अगर किन्हीं को ईजी होता है कि बैक से निकाल सकते हैं तो वो बैक से भी निकाल सकते हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ इस तरह से आप बैक से भी निकाल सकते हैं, फ्रंट से भी निकाल सकते हैं। तो ये है आईब्रो का फाइनल लुक। आज के वीडियो में उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। एक तो आप सीखे कि मैच्योर स्किन पे कैसे आईब्रो बनाया जाता है, और दूसरा जो कि आप लोग का डाउट था वो मैं क्लियर की हूँ कि किस तरीके से फ्रंट से बनाना है और किस तरह से बैक से बनाना है। तो आज का आईब्रो बनाने का तरीका आप लोग को कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।